नमस्कार साथियों, मैं योगेश गुप्ता एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रेलवे पाठशाला में। जैसा कि आपको पता है कि अभी लगातार पेपर चल रहे हैं, 6 अगस्त, 7 अगस्त, 8 अगस्त लगातार पेपर होते चले जा रहे हैं। तो मैंने जो पेपर में अब इस समय ऑब्जर्व किया है, जो अभी रिसेंटली में पेपर हुए पिछले 2-4 दिनों से, तो उसमें मैंने ये ऑब्जर्व किया कि ये जो हमारे 4 टॉपिक हैं, यही 4 टॉपिक के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, उनमें से एक है ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, केमिकल रिएक्शन और मैग्नेटिज्म। लेकिन फिर भी बच्चों से सवाल गलत हो रहा है। गलत होने की सबसे बड़ा रीजन ये है कि ऑप्टिक्स में आपको मिरर के मिरर और लेंस के लिए कह सकते हो, प्रतिबिंब बनाना नहीं आता है ना। तो मैं अगर गलत होने की बात करूँ तो ये टॉपिक गलत क्यों हो रहा है, तो आप कह सकते हो कि गलत होने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि ऑप्टिक्स में आपको इमेज फॉर्मेशन करना नहीं आता, मतलब इमेज कैसे बनेगी। इलेक्ट्रिसिटी में आपको करंट का फ्लो यानी ओम के नियम का लगाना नहीं समझ पा रहे हो। केमिकल रिएक्शन तो चलो एक आसान टॉपिक है, लेकिन इसमें रिडक्शन जो ऑक्सीडेशन आ जाता है तो बच्चों की थोड़ा दिक्कत आ जाती है। और मैग्नेटिज्म की तो कंप्लीट आपको थ्योरी ही नहीं पता। ओके, तो ये सारी दिक्कत का सोल्यूशन मैं आज शाम की क्लास में करने वाला हूँ। आज शाम के 7 बजे मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ, आज शाम के 7 बजे रेलवे पाठशाला पर जो क्लास चलती है डेली आपकी, उसमें मैं क्या करने वाला हूँ, एक तो ऑप्टिक्स के कम से कम पिछले इन शिफ्टों में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, और ऑप्टिक्स में जो इमेज फॉर्मेशन होता है मैं इसको पूरा समझाने वाला हूँ कि मिरर और लेंस में कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है, इलेक्ट्रिसिटी में ओम के नियम को कैसे लगाना है, केमिकल रिएक्शन की कंप्लीट थ्योरी देने वाला हूँ, और मैग्नेटिज्म की भी कंप्लीट थ्योरी देने वाला हूँ कि मैग्नेटिज्म में कौन कौन से कॉन्सेप्ट आपसे पूछे जाते हैं और उनके फॉर्मूले क्या है। ओके, तो ये सारी की सारी बातें मैं आज आप लोगों को शाम के 7 बजे वाली क्लास में थ्योरी और क्वेश्चन दोनों सॉल्व कराने वाला हूँ। तो आज शाम की अगर आपने मेरी ये क्लास देख ली जिसमें मैं थ्योरी और थ्योरी के साथ साथ आपको सारे के सारे आए हुए क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूँ है ना, तो बिलीव मानिए इसके जो 15 क्वेश्चन आपकी शिफ्टों में पूछे जाएंगे आने वाली शिफ्टों में, आपको 15 मिनट भी नहीं लगेगा इन सारे सवालों को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं शाम के 7 बजे इन्हीं 4 टॉपिक के साथ, थ्योरी के साथ, उसके साथ साथ उसके क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।